बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है डायन सेफेलॉन पे। डायन सेफेलॉन के अंदर हमने वेरियस स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, लेकिन आज मेरे पढ़ाने की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैंने ये सोचा है कि पहले आप लोगों को आफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स जो डिफरेंट पाथवेज हैं वो पढ़ाऊँ मैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस के, और उसके बाद मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊँ। इसका फ़ायदा हमें ये होगा बच्चे कि जब मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊँगा इंशाल्लाह, तो उसके अंदर हम लोग इन पाथवेज को रिलेट करेंगे कि अच्छा यहाँ यहाँ पे ये कनेक्शन पाया गया था, इसलिए ये स्ट्रक्चर्स आपस में क्लोजली या डिजिटली लाए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ये देखें कि ये स्नेल की एक डायग्राम है, स्नेल का टेबल है, थैलेमस का, थैलेमस के न्यूक्लियाई डिफरेंट लिखे हुए हैं, इसके आफ्रेंट्स लिखे हुए हैं, इसके ईफ्रेंट्स लिखे हुए हैं, एंड लेट्स सी व्हाट आर दे। नंबर वन बच्चे, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है वो आफ्रेंट रिसीव करता है हाइपोथैलेमस से मेनली, और बाकी थैलेमस के न्यूक्लियाई से और ईफ्रेंट्स भी उन्हीं को ही भेजता है। ये आपका टिपिकल प्रॉफ का क्वेश्चन है कि आपका थैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस होता है जो कि ऑल्फैक्शन यानी कि सेंसरी सेंसेशन के साथ कंसर्न होता है। वैसे तो बच्चे यही कहा जाता है कि आपकी क्रैनियल नर्व जो 12 है उसके अंदर सिर्फ एक वाहिद क्रैनियल नर्व है, क्रैनियल नर्व नंबर 1, और ऑल्फैक्टरी नर्व जिसका थैलेमस से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे रिसर्चेस आगे की गई, डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, स्टिमुलेशन स्टडी की गई, सिमुलेशन स्टडी जो कुछ होती है, सिमुलेशन बच्चे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना अभी बता रहा हूँ कि थैलेमस के न्यूक्लियाई को जब हमने स्टिमुलेट किया तो वी केम टू नो कि ऑल्फैक्टरी सेंसेशन का उससे ताल्लुक है। ठीक है, तो ये आपका टिपिकल एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस इज एसोसिएटेड विद योर ऑल्फैक्शन। ठीक है, नंबर टू बच्चे देखें आप, लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और पल्विनार। पल्विनार बच्चे अभी हम किसे कहते हैं, मैं आपको सब डिटेल में दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके देखें आप फ्रंट और ईफ्रंट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अदर थैलेमस न्यूक्लियाई से वापस भी ईफ्रंट उसी को जा रहे हैं, फंक्शन अननोन है। फिर बच्चे आपका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस जो है वो जहाँ पे ये चार लाए कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई है बच्चे, ये वेंट्रल एंटीरियर या वेंट्रो एंटीरियर भी कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन, सबस्टेंशिया नाइग्रा, कॉर्पस स्ट्राइटम, प्री मोटर कॉर्टेक्स और अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई से रिसीव कर रहा फाइबर। बच्चे देखें, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था डिफरेंट पाथवेज जब मैंने आपको पढ़ाए थे, तो मैंने आपको ट्रैक्स के अंदर इस न्यूक्लियस का नाम, दो न्यूक्लियाई के नाम मैंने बहुत कॉमनली लिए थे, एक था VPL वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस और दूसरा बच्चे वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस। तो वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस बच्चे देखें कहाँ कहाँ से फाइबर रिसीव कर रहा है। अगर हम लोग एक अरेंजमेंट बना के चलें, देखें सबसे ऊपर सेरिब्रम है, नीचे फिर आपका ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन है और उसके नीचे पॉन्स है। ठीक है, आप देखें सेरिब्रम में क्या है, सेरिब्रम में बच्चे इन्वॉल्व कर रहा है कॉर्पस स्ट्राइटम और प्री मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर ले रहा है। कॉर्पस स्ट्राइटम बच्चे आपको पता है हम किसे कहते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डेट को। लेंटिफॉर्म में क्या होता है बच्चे, ग्लोबस पैलिडस होता है और पोटामिन होता है, तो इन सब फाइबर रिसीव कर रहा है, साथ प्री मोटर कॉर्टेक्स। और मैंने आपको बताया था, गार्टन में भी मैंशन है कि प्री मोटर कॉर्टेक्स वो एरिया है जहाँ पे आपकी फोटोकॉपी यानी कि एक प्रोग्राम की सीक्वेंसिंग डेवलप होती है, जहाँ पे आपके प्री मोटर आपके मिरर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्री मोटर कॉर्टेक्स के वहां से ले रहा है। फिर आप नीचे आए बच्चे तो ब्रेन स्टेम में आपकी रेटिकुलर फॉर्मेशन आती है, वहां से ले रहा है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा आपका मिड ब्रेन में आ जाता है। तो अगर आप देखें तो आफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स के सेम है और मोटर एक्टिविटी ऑफ कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आ गया वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस, इसके भी बच्चे यही वाले फाइबर्स हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सेरिबेलम से आता है। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये मोटर एक्टिविटी जो होती है मोटर कॉर्टेक्स की, उसको तो इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक एक कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स बैलेंस। ठीक है, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम सेरिबेलम की तरफ से मीडिएट कर रहा है। और बच्चे आप ये लाइन, यहाँ पे लाइन का डिफरेंस देखें, वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस क्या लिखा है, इन्फ्लुएंसेस एक्टिविटी ऑफ मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये मोटर कॉर्टेक्स की स्पेसिफिक है और ये भी मोटर कॉर्टेक्स की स्पेसिफिक है। उसके बाद बच्चे मैं अच्छे तरीके से, मुझे याद है हमारी स्टेज थी, हमें ये क्वेश्चन आया था कि VPM और VPL के फंक्शन लिखें, VPM और VPL। ठीक है, तो बच्चे ये देखिए आपने याद रखना है कि ये आपके जो फाइबर्स हैं ये लमिनिस्काय के साथ एसोसिएटेड है, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि लमिनिस्काय बेसिकली चार तरह के एग्जिस्ट करते हैं, आपकी
CNS के अंदर. नंबर वन ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस दैट इज एसोसिएटेड विद VPM. मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस एसोसिएटेड विद VPL. एंड योर ऑडिटरी लेमिनिस्कस एसोसिएटेड विद मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. चार आपके लेमिनिस्काए एग्जिस्ट करते हैं. लैटरल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. तो आपको कभी भी प्रॉफ में एक क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेमिनिस्काए इज एसोसिएटेड विद योर क्रैनियल नर्व, तो आपने हमेशा कहना है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. ठीक है. VPM रिसीव करता है फाइबर्स ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और गस्ट्रेटरी फाइबर्स साथ रिसीव करता है. ठीक है, जो आपके टंग से आते हैं. अच्छा इफ्रेंट्स बच्चे इसके बेसिकली जा रहे होते हैं प्राइमरी सोमेटिक सेंसरी कॉर्टेक्स को. ठीक है, और लिखा है रिलेज कॉमन सेंसेशन टू कॉन्शियसनेस. कॉमन जितनी भी आपकी सेंसेशंस हैं उन्हें कॉन्शियस बनाता है, उन्हें फील करवाता है. VPL बच्चे आप देखें तो VPL मीडियल लेमिनिस्कस और स्पाइनल लेमिनिस्कस को रिसीव कर रहा है, ये भी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है और ये भी कॉमन सेंसेशन का रिले करवा रहा है. उसके बाद है बच्चे आपके इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके प्रॉफ का. जैसे मैंने आपको बताया ऑल्फैक्ट्री न्यूक्लियस में पूछा जाता है तो आपने कहना है डॉर्सोमीडियल. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बच्चे आपका जो इंट्रालेमिनार न्यूक्लियस है दैट इज कंसर्न विद योर अलर्टनेस एंड लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. कितने अलर्ट हैं आप? ठीक है, एफ्रेंस बच्चे रिसीव करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन स्पाइनोथैलेमिक एंड ट्राइजेमिनोथैलेमिक फाइबर से और इफ्रेंट भेजता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अवेयरनेस की सेंसेशन के लिए. फिर आपका बच्चे आ गया मिड लाइन, तो मिड लाइन आपको पता है वैसे ही आपकी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है ब्रेन स्टेम की वो मिड लाइन में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, मिड लाइन और पैरामीडियन और सब लेटरल उसके कॉलम्स होते हैं, तो ये रिसीव करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन से फाइबर. और बच्चे इसके इफ्रेंट हमें अनडिटरमेंट है और फंक्शन भी अनडिटरमेंट है. रेटिकुलर न्यूक्लियाई के ऊपर बच्चे अगर आप आए तो उसने दिया हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन से रिसीव कर रहा है और अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई को कमांड्स भेज रहा है. ठीक है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेगुलेट कर सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेगुलेट थैलेमस थ्रू दिस न्यूक्लियस. कहने का यह मतलब है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने अपना जो भी काम करवाना होता है वो रेटिकुलर न्यूक्लियाई और थैलेमस को बताती है और फिर थैलेमिक न्यूक्लियाई आगे उसको ये जो रेटिकुलर न्यूक्लियस है या बाकी थैलेमिक न्यूक्लियाई को मैनेज करता है. ठीक है, फिर आ गया बच्चे मीडियल जेनिकुलर बॉडी लैटरल जेनिकुलर बॉडी. तो मीडियल जेनिकुलर बॉडी में लिखा है इंपीरियल कॉलिकुलस और लैटरल लेमिनिस्कस फ्रॉम बोथ ईयर्स बट प्रेडोमिनेटली फ्रॉम द कॉन्ट्रालैटरल ईयर. यानी कि मैंने आपको पहले भी तीन दफा बताया कि मीडियल जेनिकुलर बॉडी रिलेटेड है विद योर ईयर एंड लैटरल जेनिकुलर बॉडी इज कंसर्न विद योर विजन. ठीक है, तो लैटरल जेनिकुलर बॉडी बच्चे ऑप्टिक ट्रैक्ट रिसीव करती है और वो क्या होता है इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही देखेंगे क्रैनियल नर्व्स के अंदर. फिर बच्चे मीडियल जेनिकुलर बॉडी के फाइबर जो जाते हैं वो जाते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस को, जहाँ पे आपकी ऑडिटरी कॉर्टेक्स लाया करती है और हेयरिंग के साथ कंसर्न है. और लैटरल जेनिकुलर बॉडी के जो फाइबर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन वाले, वो जा रहे हैं ऑक्सीपिटल लोब को. ठीक है, और विजुअल इन्फॉर्मेशन के साथ कंसर्न है प्रेडोमिनेंटली फ्रॉम ऑपोजिट साइड. दोनों बॉडीज जो है वो ऑपोजिट साइड की सेंसेशन ले रही है, एक केस में विजन और एक केस में ऑडिटोरी. दूसरी बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियल जेनिकुलर बॉडी जो होती है दैट इज कंसर्नड विद योर सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड लैटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस इज कंसर्नड विद योर रेट्रो लेंटिफॉर्म. ठीक है, फिर बच्चे आप देखें कि मैंने आप लोगों के लिए एफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स निकाले हैं हाइपोथैलेमस के. तो हाइपोथैलेमस के भी बच्चे साथ ही हम स्टडी कर लेते हैं ताकि हम इनको अच्छे से डायग्राम्स पढ़ते हुए कोरिलेट कर सकें. ये देखें पहला एफ्रेंट फाइबर है मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस का. ठीक बच्चे, ये वाला टेबल पढ़ते हुए सबसे मजे की बात जो है आपके लिए वो ये है कि हाइपोथैलेमस के ओरिजिन के फाइबर उसने बता दिए कि एफ्रेंट्स के नाम क्या क्या है, ओरिजिनेट कहाँ पे कर रहे हैं और डेस्टिनेशन उनकी क्या है. ठीक है, मतलब जो फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं डिफरेंट वो हाइपोथैलेमस के एफ्रेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब हाइपोथैलेमस में कहाँ कहाँ जाकर टर्मिनेट हो रहे हैं. हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे. और गार्टन में भी बच्चे आपको ये सवाल आता है. बच्चे याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई और थैलेमस के न्यूक्लियाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफ के एमसीक्यूज का और प्रॉफ के एसीक्यूज का. आपको कहा जाता है टैबुलेट द एफ्रेंट्स एंड इफ्रेंट्स. ठीक है, तो बच्चे देखिए सबसे पहला एफ्रेंट जो है वो है मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और रेटिकुलर फॉर्मेशन. अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका वेंट्रोपोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस होता है थैलेमस का
that is concerned with your sensation of gustation, yani ki aapki taste ki sensation ke sath, aur sath hi sath bacche aapka jo receive kar raha carpal medial aur spinal laminus ka. I hope bachcho ki aap log recall kar rahe hain is nucleus ka ye wala function jo thalamus mein humne padha tha, to bilkul dekhe wahi wale fibers aapke hypothalamus mein enter ho rahe hain, theek hai, aur sensation kaha se la rahe hain bachche, vitra aur different somatic structures pe. Vitra kaun kya hai bachche, ab aapko pata hai ki aapka jo tongue hai wahan se taste ki sensation aayegi, theek hai, aur jitne bhi aapki periphery hai wahan se aapke medial aur spinal laminus ka jo hote hain wo sensations leke aate hain. और हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई में टर्मिनेट कर रहे हैं. विजुअल फाइबर जो है बच्चे वो रेटिना से आ रहे हैं और सुप्रास्टमेटिक न्यूक्लियस. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्सर ये आपको क्वेश्चन आता है कि आपका जो स्लीप का न्यूक्लियस होता है वो कौन सा, दैट इज द सुप्रास्टमेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. फिर बच्चे मीडियल फोरब्रेन बंडल, ये भी मैंने आप लोगों को पिछली डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है, मीडियल फोरब्रेन बंडल जो कि आप कॉल करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से आता है और हाइपोथैलेमस में टर्मिनेट करता है. इनर एयर से फाइबर्स आ रहे होते हैं, ऑडिटरी फाइबर्स हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई में टर्मिनेट करते हैं. फिर फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल हाइपोथैलेमस फाइबर्स आते हैं, वो टर्मिनेट करते हैं. हिप्पोकैम्पस से बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट आता है जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पो हाइपोथैलेमस फाइबर्स. और बच्चे ये देखें आप लोग, ये मेन आउटपुट है लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है. तो आप लोग ये मतलब आप लोग को रिकॉल कीजिए कि मैंने जहाँ पे आप लोग को 35 सर्किट पढ़ाया था वहां पे हम लोगों ने ये फाइबर पढ़ा था, ठीक है. और ये मेमोरी बॉडी के अंदर आपके टर्मिनेट करते हैं. मेमोरी बॉडी भी आपका हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होती है. फिर आपका है अमिगडाला हाइपोथैलेमस फाइबर, ये भी बच्चे हम लोगों ने 35 सर्किट में पढ़ा था. अमिगडालॉइड कॉम्प्लेक्स से आता है और मैंने आप लोगों को बताया था कि अमिगडालॉइड कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंटर है एग्रेशन के लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए, इमोशंस के लिए. थैलेमो हाइपोथैलेमस फाइबर बच्चे डॉर्सल मीडियल और मिडलाइन न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस से फाइबर्स आ रहे हैं हाइपोथैलेमस को. टेगमेंटल फाइबर्स आ रहे हैं मिड ब्रेन से, ठीक है, मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट है. और एफ्रंट फाइबर्स बच्चे आप देखें कौन कौन से हैं इसके अंदर. फिर बच्चे आप देखें कि कुछ जो दरमियान वाले फाइबर्स हैं ये पैपिस सर्किट का पार्ट बनते हैं. तो डिसेंडिंग फाइबर्स जो है वो जा रहे हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन में, ठीक है, और किन किन न्यूक्लियाई से, प्री ऑप्टिक, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है. और If you want to remember the mnemonic of these nuclei, अगर आपने याद करना है कि जो आपके hypothalamus के descending fibers होते हैं जो cord को जा रहे हैं और brain stem को किस nuclei से arise कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है mnemonic PALO, PALLO, ठीक है. posterior hypothalamic nucleus, sorry बच्चे, posterior hypothalamic nucleus, anterior hypothalamic nucleus, lateral nucleus और optic nucleus, ठीक है. ये सारे जा रहे हैं नीचे और ये ऊपर की तरफ से बच्चे आप देखें कि रेगुलेट यहाँ यहाँ पे इन सेंटर से हो रहे हैं. क्रेनियोसैक्रल पैरासिम्पैथेटिक बन रहे हैं और थोरैकोलंबर सिंपैथेटिक आउटफ्लोस बन रहे हैं. मेमेलोथैलेमस ट्रैक बच्चे आपके मेमोरी बॉडी से जो फाइबर आ रहे हैं अब आप लोग ये देखें हिप्पोकैम्पो हाइपोथैलेमस फाइबर हिप्पोकैम्पस से हाइपोथैलेमस में जा रहे हैं न्यूक्लियाई ऑफ मेमोरी बॉडी में आ रहे हैं. फिर मेमोरी बॉडी अपने एफ्रंट दे रही है मेमेलोथैलेमस ट्रैक और मेमेलोटेगमेंटल. और बच्चे मुझे अच्छे से याद है हमारी सब स्टेज के अंदर ये ऑस्पी में एक ऑप्शन आया था कि मेमिलरी बॉडी के एफ्रंट का नाम लिखें तो मेमिलोथैलेमिक एंड मेमिलो टेगमेंटल ट्रैक, ठीक है. और ये देखें बच्चे एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस तक जा रहे हैं बेसिकली ये, और जो टेगमेंटल है ये आपके मिड ब्रेन की रेटिकुलर फॉर्मेशन को जा रहे हैं जो कि टेगमेंटम में पड़ी होती है. मल्टीपल पाथवेज अगर आप नहीं भी लिखते दैट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन बच्चे ये इंपॉर्टेंट आपको एफ्रंट और एफ्रंट आने चाहिए. अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई के फंक्शन क्या क्या हैं. आइए ये देखते हैं. सबसे पहले बच्चे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैराबेंटिकुलर, ये तो किसी सूरत नहीं बोलना चाहिए. और आपको कुछ आता है नहीं आता मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये लाजमी आना चाहिए बच्चे. मैं ये कह रहा हूँ कि एज एन एग्जामिनर आई एम हाईली कंसर्न कि आपको ये दो न्यूक्लियाई का फंक्शन आना चाहिए. फिजियोलॉजी में 20,000 दफा ये वाली बात लिखी हुई है, गार्टन में यहाँ पे भी लिखी हुई है. तो बच्चे जस्ट फोकस ऑन इट. सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सिंथेसाइज करता है वैसोप्रेसिन और पैराबेंटिकुलर सिंथेसाइज करता है ऑक्सीटोसिन, और ये दोनों स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. फिर बच्चे आपको मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैंने फिजियोलॉजी के में भी कुछ बच्चों को बताया है. पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो होता है इट इज कंसर्न्ड विद योर कोल्ड का रिस्पॉन्स, ठीक है, और एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस विद योर हीट का रिस्पॉन्स है. दोनों बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेटर. फिर देखें लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस कंसर्न्ड है हंगर सेंटर है बेसिकली भूख के साथ, और मीडियल उल्टा है मीडियल जो है वो सटाइटी के साथ कंसर्न्ड है, यानी कि आपको फुलनेस की फीलिंग
देने के लिए, आपका पेट भरा हुआ है। इसके अलावा आप बच्चे यहाँ पे देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वही वाली बात मेरी आ गई, पालो न्यूक्लियाई। पालो में क्या क्या था बच्चे? पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल और ऑप्टिक। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो है वो सिंपैथेटिक के साथ है, एंटीरियर पैरासिंपैथेटिक के साथ, लैटरल सिंपैथेटिक के साथ और ऑप्टिक पैरासिंपैथेटिक के साथ। अगर आपके निमोनिक अपने पेज पे भी लिख के देखिए एक दफा पालो PALO, तो बच्चे ओ से ऑप्टिक मैंने बताया ना प्री ऑप्टिक, तो पी आपका पहला वर्ड और बच्चे आपका थर्ड अल्फाबेट, सॉरी पहला अल्फाबेट और थर्ड अल्फाबेट पोस्टीरियर और लैटरल ये दोनों सिंपैथेटिक के लिए हैं और सेकंड और फोर्थ पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, ये न्यूक्लियाई है बच्चे, और यहाँ पे आप ये याद रखें PC पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड विद योर कोल्ड। ठीक है, और एंटीरियर इज कंसर्न्ड विद हीट। ये तो मेरे खास इसीलिए याद हो जाएगा, हमें 2015 के अंदर या 14 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 15 के अंदर बच्चे ये MCQ आया था गार्टन के अंदर कि कोल्ड का कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो फिजियोलॉजी में आया था। ठीक है, और मीडियल बच्चे आप याद रखें MS के मीडियल जो न्यूक्लियस होता है वो सेटाइटी का है और लैटरल वाला हंगर का है। इसके अलावा लैटरल हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस बच्चे थर्ड सेंट्रल भी होता है, जैसे जैसे भूख को रेगुलेट करता है वैसे प्यास को भी, और सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड विद योर सर्केडियन रिदम यानी कि स्लीप के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर देखिए बच्चे हाइपोथैलेमस जो होता है वो काफी सारे ऐसे रेगुलेटरी एलिमेंट सिक्रीट करता है जो कि जाके एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करवाता है जिनके डिफरेंट फंक्शन इसने इस कॉलम में हाईलाइट किए हुए। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये जनरली मैं बता दूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सेल्स होते हैं कौन कौन से हैं। कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं जो कि कॉर्टिसोल को मैं अभी सिर्फ आपको नाम करके बता देता हूँ। कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं बच्चे, लैक्टोट्रॉप्स होते हैं, इसके अलावा सोमेटोट्रॉप्स होते हैं, इसके अलावा बच्चे गोनेडोट्रॉप्स होते हैं और थायरोट्रॉप्स। ये पांच तरह के सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब देखिए बच्चे पहला आपका जो रिलीजिंग हार्मोन है, आप अक्सर ये पसंद किया जाता है रिलीजिंग हार्मोन का नाम देके कि ये रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये कहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, तो आपको इस सेल का नाम आना चाहिए। अब देखिए मैं पहले आपको सबसे पहले सब कुछ बताता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप बच्चे इसको नोट करते जाइए क्योंकि सब कुछ बुक में एक जगह पे नहीं मिलता बंदे को। फिजियोलॉजी में भी इंशाल्लाह ये वाली बातें आपको काम आएंगी और न्यूरो में। तो बच्चे पहली चीज, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमेटोट्रॉप सेल्स पे। सोमेटोट्रॉप नहीं कह रहा, पीएच नहीं आता, पीईएस आता है, सोमेटोट्रॉप ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका काम है ग्रोथ करवाना। लिनियर ग्रोथ और एपिफिटल कार्टिलेज जो होता है वो आपका ग्रोथ सेंटर है। फिर बच्चे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जिससे हम कहते हैं सोमेटोस्टैटिन, और ये बच्चे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करवाता है बाय एक्टिंग अपॉन द सोमेटोट्रॉप सेल्स। एक बात आपने याद रखनी है कि सोमेटोस्टैटिन के बॉडी में दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं बच्चे। नंबर वन पैंक्रियास, पैंक्रियास के अंदर आपके तीन तरह के हम कहते हैं सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स दैट सीक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स दैट सीक्रेट इंसुलिन एंड योर डेल्टा सेल्स दैट सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन। एक चौथी टाइप भी होती है जिसको हम कहते हैं एफ सेल्स, जिनका काम है पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करना, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। तो बेसिकली जो आपके डेल्टा सेल्स हैं वो पैंक्रियास में सोमेटोस्टैटिन रिलीज करवाते हैं और पिट्यूटरी में आपके हाइपोथैलेमस, बेसिकली पिट्यूटरी में नहीं हाइपोथैलेमस से भी सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है। ठीक है, एक और बात बच्चे आपने याद रखनी है कि GHRH जो हार्मोन होता है इसको तो हमने सोमेटोस्टैटिन कह दिया ना, उसको हम लोग सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, GHRH की बात कर। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो रिलीजिंग हार्मोन होता है ये जाके एक्ट करता है आपके लैक्टोट्रॉप के ऊपर। ठीक है, या ल्यूटोट्रॉप के ऊपर, इन सेल्स के दो तीन नाम है, और प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है जो लैक्टोजेनेसिस में आपको हेल्प करते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का अक्सर औकात MCQ आता है बच्चे, याद रखिएगा कि डोपामीन को ही हम बेसिकली प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। तो जितनी भी ऐसी ड्रग्स आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे बच्चे मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह थर्ड ईयर में आपको काम आएगी। डोपामीन के डिफरेंट एगोनिस्ट होते हैं, मतलब उसके एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, जो उसी की एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे कुछ हो गया आपके क्या बर्गोलिन हो गया, पर्गोलाइड हो गया, ब्रोमोक्रिप्टीन हो गया, ये सारे डोपामीन के एनालॉग्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने गार्टन में पार्किंसन के ट्रीटमेंट में भी ये पढ़े होंगे। तो ये बच्चे सारे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसलिए अगर कोई फीमेल है जिसका न्यू बॉर्न बेबी एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसनिज्म जो कि यूजुअली बहुत रेयर चीज है,
एक यंग एज में होना, तो उसके अंदर बच्चे आपको लैक्टोजेनेसिस कम मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है। ये भी लैक्टोट्रोप्स के ऊपर एक्ट करते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है बच्चे आपके एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की रिलीज करवाने के लिए कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स के ऊपर, ठीक है, जिनका काम बच्चे डिफरेंट फंक्शन है, दे आर रिटन हियर, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बच्चे एक्ट करेगा जाके थायरोट्रोप्स पे और टीएसएच रिलीज करवाएगा जो कि सेल्स जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। और फिर आपका बच्चे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेशन रिलीजिंग हार्मोन। लेकिन बच्चे ये चीजें अभी अंडर रिसर्च है, जो ये वाले आपके हार्मोन है ना, ये अंडर रिसर्च है। इसको हम लोग बेसिकली ओवरऑल हम लोग इनको गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन से इसको परेशान नहीं होना अगर जिस जगह पे ये लिखा हुआ है, जिस जगह पे जी एच आर एच लिखा है तो उसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, लेकिन जिस जगह पे जी और क्या स्मॉल एन लिखा है जी एन एच आर एच गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो वो आपका एल एच आर एच और एफ आर एफ आर एच के बीच बेसिकली बात कर रहा है। ये एक्ट करते हैं बच्चे जाके गोनेडोट्रॉपिक सेल्स के ऊपर और एल एच और एफ एच की रिलीज करवाते हैं। नेक्स्ट टेबल दैट वी हैव इज बेसिकली ऑफ ये इन हार्मोन की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है, या इनपंडिबुलर न्यूक्लियस। इनपंडिबुलम अभी आपको दिखाऊंगा भी, जिसको हमने पिट्यूटरी स्टॉक पहले कहा था। फिर देखें बच्चे आप ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जब सोमेटोस्टैटिन रिलीज करवाता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि आपका स्लीप को भी रेगुलेट कर रहा होता है। और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो सिक्रीट होता है पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियस का, और मैंने पैराबेंटिकुलर का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताया था बच्चे के, दैट रिलीज योर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। इसी के साथ बच्चे हमारे बेहतरीन टेबल्स जो होते हैं वो कंक्लूड होते हैं। नाउ कमिंग टू ऑल द बेसिक्स ऑफ योर डायन, आई एम गोइंग टू हाईलाइट ऑल द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यूजिंग इंद्रवीर एंड स्नेलर, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आप ये देखें कि डायन के टू पार्ट होते हैं, ठीक है बच्चे। ये स्नेल में अब मुझे एग्जैक्टली वाकई में नहीं याद आ रहा कि मेंशन है अच्छे तरीके से या नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए होगा मेरे ख्याल से 5.43 होता है और 5.45 दो पार्ट का डायन सफलॉन, ठीक है। 5.43 जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इसके अंदर आपका है थैलेमस, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस, ठीक है, और 45 में हाइपोथैलेमस और सबथैलेमस। अभी आपको आगे भी दिखाते हैं थैलेमस जो होता है बच्चे, ये देखें इस जगह पे ये इसने शो किया, ये आपका हाइपोथैलेमिक सल्कस है ना, तो हाइपोथैलेमिक सल्कस से आगे आपका हाइपोथैलेमस है और साथ ही साथ सबथैलेमस है, और ऊपर और पीछे का आपका थैलेमस है, यहाँ पे मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले स्ट्रक्चर जहाँ वो पीछे हैं और नीचे वाले स्ट्रक्चर आगे, और ये जो आपको सल्कस इसने शो किया दैट इज बेसिकली योर हाइपोथैलेमिक सल्कस। अब आइडेंटिफाई ये करना रह गया काम, ये देखें आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली इंटरथैलेमिक एडहेजन है, ठीक है, इसको हम इंटरथैलेमिक कमिश्चर भी कहते हैं, दोनों थैलेमस को कनेक्ट करवा। बच्चे ये बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया था, न्यूक्लियाई के डिफरेंट नाम बता दिए। तो बच्चे थैलेमस के न्यूक्लियाई को हम लोग देख चुके हैं, मेटाथैलेमस के भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेटाथैलेमस बेसिकली हम मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी को कहते हैं। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई भी हम देख चुके हैं। जो चीज हमें फोकस करनी है यहाँ पे जो हमने नहीं देखी, लेट्स फोकस ऑन दैट, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में बच्चे आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका एपिथेसिस सेरिब्राय जिसे हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, और आपको बच्चे पता है कि हाइपोथेसिस सेरिब्राय हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। हैवी न्यूलियर न्यूक्लियस साथ इसके आता है, और वेंट्रल थैलेमस बच्चे जिसे हम कहते हैं, सब थैलेमस जिसे हम कहते हैं, स्नेल वाले बच्चे खासतौर पर याद रखें कि उनकी बुक में ये नहीं मेंशन, सब थैलेमस का दूसरा नाम वेंट्रल थैलेमस है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस आता है और दोना इंसर्टा, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे इंसर्टा को इंक्रीटा से मिक्स मत कीजिएगा। इंसर्टा में आई एन सी ई आर टी ए आता है जो कि एक न्यूक्लियस है सब थैलेमस का, और इंक्रीटा आई एन सी आर ई टी ए जो होता है ये बेसिकली प्लेसेंटा की एक टाइप है जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा परक्रीटा और इंक्रीटा, तो उससे मिक्स नहीं कर, ठीक है। ये देखें बच्चे मिड सर्जिकल सेक्शन देखे हैं हमने, कट सेक्शन का के शो किया है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे लायक आ रहे हैं, तो बच्चे जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस के हामिल है
जिनको साइंस और इम्पोर्टेंट लेकिन जो हमने अनटच्ड अभी तक नहीं पढ़े। इसके अंदर बच्चे आपके देखें बहुत इंपॉर्टेंट आपको योग्रफी का क्वेश्चन आता है, लेबलिंग ऐसे आती है, ठीक है, एक पिन यहाँ पे लगी होती है नीचे वाले ग्लैंड पे और एक यहाँ पे। बच्चे सोचते रह जाते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है। ऊपर वाला हैबिन्यूलर कमिश्चर है जो कि दो हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई को जोड़ रहा है और बेसिकली इसी पार्ट को जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है हम एपिथैलेमस कह रहे हैं। नीचे आपका पोस्टीरियर कमिश्चर, ठीक हो गया। चलो अब देखो बच्चे आगे कॉर्नल सेक्शन में इसने बताया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड है थैलेमस के साथ। तो बच्चे ये बेसिकली आपका खूबसूरत स्ट्रक्चर जो एक्स शेप है, एलमंड शेप, दिस इज योर थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस के बाद आपका बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है दैट इज योर इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, जो कि सेपरेट कर रहा है थैलेमस को फ्रॉम दिस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। और इसके इस तरफ बच्चे आपका थैलेमस के ऊपर आपका कॉर्डिएट का हेड होता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे आप यहाँ पे फोकस कीजिए तो देखिए डिफरेंट कैप्सूल जो की हैं थैलेमस, तो ये है ना, हम ज्यादा डिटेल में आगे नहीं जा रहे क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चे देखे नीचे की तरफ इसने शो किया मिड ब्रेन का रेड न्यूक्लियस और सब थैलेमस, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे लैटरल वेंट्रिकल का पार्ट शो किया, तो आप लोगों को बहुत क्लियरली बच्चे ये समझ आना चाहिए कि आपके थैलेमस के बीच में होता है थर्ड वेंट्रिकल, दो थैलेमाई के बीच, ठीक है। और आपके थैलेमस के ऊपर की तरफ कुछ हॉर्न होते हैं, हॉर्न बेसिकली उर्दू में तो हम सींगों को कहते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग सींगों की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग वेंट्रिकल्स की जो डिफरेंट प्रोट्रूजन है उनकी बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स की जो डिफरेंट आप कह रहे हैं कि पार्ट, ठीक है। तो थैलेमस से बच्चे सुप्रोलैटरली आप सुप्रोमीडियली रिलेटेड है आपका लैटरल वेंट्रिकल, नीचे की तरफ बच्चे आपका ये देखते हैं लैटरल वेंट्रिकल ये, ठीक है। और बच्चे सुप्रोमीडियली कह रहे हैं सुप्रोलैटरली कह रहे हैं जो भी अभी सुपीरियर की बेसिकली बात कर रहे हैं और मीडियली रिलेटेड है थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे बच्चे आप आए थैलेमस के न्यूक्लियाई बहुत अच्छे तरीके से शो किए हैं, इसी खूबसूरती से नल में भी शो किए गए हैं, ठीक है। ये देखें बच्चे यहाँ पे एंट्रो थैलेमस एडिशन है, जिस जगह पे आपका ये वाला थैलेमस पाया जा रहा है ना इसी के इस तरफ आपका दूसरा थैलेमस आपको यहाँ, देखिए यहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है, ऐसे ही करके आपको मिलेगा आपका दूसरा थैलेमस, ठीक है। आइए देखते हैं इसके डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो है बच्चे देखिए इसके लैटरल न्यूक्लियाई का ग्रुप, एक मीडियल एक एंटीरियर, सबके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। और बच्चे जो पोस्टीरियर पार्ट होता है थैलेमस का, तो आप कह लें कि इसको हम कहते हैं कि ये पल्विनार जो आपका एक स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है। तो दरमियान में बच्चे आपके लेमिना रन कर रहा है दैट इज नोन एज इंटरनल मेडलरी लेमिना, इसी तरह एक्सटर्नल मेडलरी भी होता है, अभी आगे दिखाऊंगा। ये देखो बच्चे ये क्या लिखा उसके मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ थैलेमस, एक्सटर्नल मेडलरी लेमिना एंड रेटिकुलर न्यूक्लियाई रिमूव, जिसके सराउंडिंग में एक होता है एक्सटर्नल मेडलरी लेमिना उसको हमने रिमूव कर दिया, सिर्फ इंटरनल मेडलरी शो किया और उसमें शो किया सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस, ठीक हो गया। सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस बच्चे सेल के अंदर अच्छे तरीके से नहीं मेंशन, उसको हम लोग इंटर बीड से देखेंगे। मीडियल पार्ट है, साथ आपका एंटीरियर पार्ट है जिसमें एंटीरियर न्यूक्लियाई का ग्रुप आ जाता है, अभी हम देखते हैं सारे। और लेटरल पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियाई आते हैं वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रो लेटरल, फिर आपका एलपी से पोस्ट्रोलैटरल और आपका डॉर्सोलेटरल, ठीक है। ये तो बच्चे मुझे इंटर बीच के डायग्राम में थोड़ी सी लग रही है गड़बड़, क्योंकि डॉर्सल डॉर्सोलेटरल और पोस्ट्रोलैटरल क्या पता, या फिर वेंट्रो पोस्ट्रोलैटरल, ये इसने नाम सही नहीं लिखे हुए बच्चे। इंद्रवीर वाले बच्चे यू नीड टू कंसल्ट दैट, एंड स्नेल वाले बच्चे यू नीड टू इग्नोर दैट राइट नाउ। उसके बाद बच्चे देखिए वीपीएल शो किया, वीपीएम शो किया हुआ है, लेटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट, ठीक है। ये आपका मेटाथैलेमस है, ये छोटा सा थैलेमस के पल्विनार, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चे फर्दर हम लोग इन न्यूक्लियाई के ऊपर, सुपीरियर और कॉर्नल एस्पेक्ट दोनों भी हैं, एंटीरियर न्यूक्लियस दिया हुआ है, वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रोलेटरल लेटरल डॉर्सल मीडियल डॉर्सल मिडलाइन न्यूक्लियाई दरमियान में इंट्रालेमिनार लेटरल पोस्टीरियर, ये मुझे समझ नहीं आया कि लेटरल पोस्टीरियर और डॉर्सल पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है। अगर किसी बच्चे को समझ आए तो मुझे बताए क्योंकि मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं समझ आई। रेटिकुलर न्यूक्लियाई देखिए बच्चे ने ये शो किए हैं देख में एक लाइन की फॉर्म में, और जो वाइट आप सकते एरिया शो किया दैट इज बेसिकली वाई शेप, देखिए वाई का एक टाइन है या दूसरा टाइन है, और ये आपका वाई का बेसिकली स्टेम है, ठीक है। तो थैलेमस के न्यूक्लियाई देख लिए बच्चे आपने, मैं आप लोग को एक और डायग्राम भी दिखाऊंगा। ये देखो बच्चे बहुत खूबसूरत इसने फ्लो चार्ट बनाया है, सब स्नेल के बच्चे भी फ्लो चार्ट को फॉलो कीजिए, इंटरव्यू में बहुत अच्छा है।
एंटीरियर न्यूक्लियस, मीडियल न्यूक्लियस, लैटरल में दो ग्रुप, डॉर्सो लैटरल, ठीक है, और सॉरी डॉर्सल ग्रुप और वेंट्रल ग्रुप। डॉर्सल ग्रुप में दोबारा से लिखा है लैटरल डॉर्सल और लैटरल पोस्टीरियर, आई डोंट गेट इट, इन दोनों में डिफरेंस क्या, पल भी ना आ रहा है। वेंट्रल में बच्चे ने लिखा वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल और वेंट्रो पोस्टीरियर, और बीपीएम और बीपीएम, ठीक है। और आप लोगों को बच्चा अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा चीजें याद कर पाऊँ तो क्या था, डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस जो था वो बेसिकली देखे आपका कंसर्न था, ये देखे बच्चे, इसको एक सेकंड ये देखो, बल्कि तुम लोग को हाईलाइट कर दिखाऊं, नेक्स्ट करते हैं, अब तुम लोग चीजें अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कोरिलेट कर सकोगे। ये देखे बच्चे, ये हाइपोथैलेमस के साथ और अदर न्यूक्लियाई के साथ था, ठीक हो गया। और ये देखे बच्चे एक चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, देखे लैटरल डॉर्सल न्यूक्लियस इसने दिया हुआ है, तो लैटरल पोस्टीरियर भी दिया, अच्छा यानी कि नल ने भी ये दो न्यूक्लियाई दिए हुए हैं। तो बच्चे बाकी में मुझे नहीं क्लियर हो रहा, तो डॉर्सल और पोस्टीरियर में यहाँ पे क्या डिफरेंस, I'll look into it इंशाल्लाह ताला, और जब भी मुझे पता चले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, मैं आपको कुछ न्यूक्लियाई के फंक्शन यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, ये देखो जी। तो देखिए बच्चे आपका जो ये देख लेते हैं, कोई भी हम रैंडम उठा लेते हैं, बीपीएम का आपका क्या काम है बच्चे, ट्राइजेमिनल लैमिनस के साथ स्पाइनल और मीडियल लैमिनस के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। और इसके अलावा लैटरल और मीडियल जेनिकुलर बॉडीज जो हैं वो विजन के साथ आपकी और ऑडिटरी सेंसेशन के साथ कंसर्न्ड है। देखिए यहाँ पे भी इसने मेजर न्यूक्लियाई ग्रुप बताए हैं, मोटर रिले, सेंसरी रिले, डिफरेंट कैटेगराइज करके सारी फंक्शनल डिविजन की हुई हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिविजन सिर्फ ये ऊपर वाली है, वो आप लोग कीजिए, ये आप लोग मतलब आप लोगों ने अगर वो टेबल काट लिया तो ठीक है। इंटरव्यू वाले बच्चों को ये कहूंगा कि अगर आप ये टेबल नहीं भी करते और स्नेल का वो टेबल काट लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर। मेन कनेक्शन सलामत के बताए हैं बच्चे, हम लोग अपफ्रंट और रिफ्रंट पहले ही काट चुके हैं, वी वॉन्ट फोकस ऑन डिस्प्ले एनी मोर। अच्छा फिर देखें बच्चे डायग्राम शो की है, सुपरलैटरल एंड मीडियल सबकॉन्शियस कॉर्टेक्स। हाँ बच्चे ये चीज तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ ना, मैंने आप लोगों को जब सेरिब्रम का लेक्चर दिया था तो मैंने गाइडेंस की एक डायग्राम कोट की थी, जिसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं थैलेमस के जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। वो डायग्राम बच्चे आप लोग निकाल के देखिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी अपलोड की हुई, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। थैलेमस रेडिएशन बच्चे से साथ साथ बताइए और बताइए कहाँ कहाँ से आ रही जा रही है, सिंगुलर गायरस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से एंटीरियर थैलेमस रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमस रेडिएशन मोटर एंड प्री मोटर और प्राइमरी सेंसरी से, पोस्टीरियर थैलेमिक विजुअल से और इंटीरियर थैलेमिक ऑडिटरी, ठीक हो गया। ये रेडिएशन बच्चे आनी चाहिए, प्रॉफ का क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चे से न्यूक्लियाई के डिफरेंट यहाँ पे शो किए हैं कनेक्शन, हम लोग ऑलरेडी बच्चे सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू हाईलाइट देम फॉर यू ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रिहेंशन हो जाए कि वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस जो होता है वो सारी बैलम से लेके जा रहा है मेजर फाइबर और वेंट्रो एंटीरियर। बच्चे मैंने आपको एरिया बताए थे रेटिकुलर फॉर्मेशन, सबस्टेंशियल नायग्रा, कॉर्पस स्ट्राइटम, इन सब से लेके जा, ठीक है। फिर देखें बच्चे नीचे की तरफ आपका वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, बीपीएम इसके दो पार्ट थे, अभी मैंने बताया बीपीएम कंसर्न्ड है टेल्स और ट्राइजेमिनल नर्व के साथ, और लैटरल वाला कंसर्न्ड है मीडियल लैमिनस और स्पाइनोथैलेमस ट्रैक्ट के साथ। एक सेकंड लेट मी कंफर्म अ थिंग, मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ अगर मुझे कोई एम्बिग्युटी यहाँ पे मिलती है तो। नहीं ठीक, बस मैं यही देख रहा था कि बीपीएल मीडियल और स्पाइनल लैमिनस के साथ है और बीपीएम जो है वो ट्राइजेमिनल के साथ और स्पाइनोथैलेमिक, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखेंगे और फर्दर इसने कनेक्शन को एलैबोरेट किया डिफरेंट न्यूक्लियाई के, ठीक है। तो लैटरल डॉर्सल न्यूक्लियस जो है वो एंटीरियर और मीडियल ग्रुप ऑफ थैलेमाइट से जा रहा है, सिंगुलेट गायरस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस यानी कि लिम्बिक सिस्टम की तरफ, फिर वेंट्रो पोस्टीरियर ग्रुप जो है थैलेमस का ये लैटरल पोस्टीरियर से जा रहा है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल की तरफ, ठीक हो गया। और आपको याद है ना बच्चे इंट्रापैराइटल सल्कस, इंट्रापैराइटल सल्कस सेपरेट करता है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल बनाता और इंटीरियर पैराइटल लोब्यूल, फिर पल्विनार बच्चे शो किया हुआ है तो अभी हम देखेंगे अभी आगे। फिर देखें एंटीरियर ग्रुप ऑफ थैलेमस न्यूक्लियाई में शो किया है मेमिलरी बॉडी से एंटीरियर थैलेमस में चार और वहां से सिंगुलेट गायरस, ये बच्चे आपका पैसिव सर्किट का पार्ट और उसने यहाँ पे ये बताया, ठीक है। फिर देखें बच्चे आप अभी क्लिनिकल करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन ऑफ मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस कौन कौन से हैं बड़े अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो इंट्राथैलेमस इंट्रालेमिनार जो न्यूक्लियाई है वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डिफरेंट जगहों से संदेशन दे रहे हैं तकरीबन हर जगह, सुपीरियर फॉलिकुलर, पर्टिकुलर फॉर्मेशन, सबस्टेंशियल नायग्रा, सेरिब्रल न्यूक्लियाई, ग्लोबस पैलिडस, बस ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बच्चे मैं लोगों को गुजार।
मिडलाइन न्यूक्लियर बच्चे देखने सबसे रिसीव कर रहे हैं, वहां पर एमिग्डलॉइड हाइपोथैलेमस पैरिटल, इतना याद करने की इतना बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा देख लो आप लोगों को मेजर जो न्यूक्लिया है उनके फंक्शन लाजमी आने चाहिए, कुछ नहीं भी आते तो दैट्स गोइंग टू वर्क। फिर बच्चे देखो मैंने आप लोगों को जब ब्रेन स्टेम बताया था तो इंपीरियर और सुपीरियर ब्रेकियम बताए थे, वो इसमें बताया है कैसे कनेक्ट कर रहे हैं एंटीरियर कॉलिकुलस को मिडिल जेनिकुलेट के साथ, सुपीरियर कॉलिकुलस को लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, तो ऊपर सुपीरियर है नीचे इंटीरियर, ठीक है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के कनेक्शन बताए हैं इसमें, रेटिना से एपिसिलेटरल और कॉन्टरलेटरल फाइबर्स लेते हुए जा रहा है, पल्विनार सुपीरियर कॉलिकुलस का कम्युनिकेशन है, ठीक है। और बच्चे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ऑप्टिक नर्व कराऊंगा तब भी डिटेल में कराऊंगा, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी के बच्चे देखो इसमें फाइबर्स बताएंगे कि आपके ओलिवरी न्यूक्लियाई से आ रहे हैं और ओलिवरी न्यूक्लियाई का काम भी ऑडिशन के साथ है, फिर बच्चे आपके फाइबर ऊपर जा रहे हैं इंटीरियर कॉलिकुलस को, ऑपोजिट साइड वाले भी जा रहे हैं और सेम वाले भी जो फाइबर ऊपर सेंड कर रहे हैं उनको हमने कहा लैटरल लैमिनिस्कस, और लैटरल लैमिनिस्कस के फाइबर इंटीरियर कॉलिकुलस से ऊपर फर्दर जा रहे हैं इंटीरियर ब्रेकियम के थ्रू मिडिल जेनिकुलेट बॉडी में, और मिडिल जेनिकुलेट बॉडी के थ्रू आपके जा रहे हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में, और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया बच्चे कौन सा होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। फिर आपका आ गया बच्चे इंटरपेडेंकुलर फोस, अब आप सोचेंगे पता नहीं ये कौन से पेडेंकल की बात हो रही है, बच्चे सेरिब्रल पेडेंकल्स की बात हो रही है जो कि आपके मिड ब्रेन का पार्ट होते हैं, उसके बीच में बच्चे ये आपका छोटा सा एरिया लाया करता है जहाँ पे आपका पिट्यूटरी का स्टॉक जो है इंपंजिबुलम भी है साथ पिट्यूटरी है, दो आपकी मेमोरी बॉडी का, और बच्चे मैंने आप लोगों को इतनी दफा बताया है कि आपसे मिड लाइन स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं तो आपने ये लाजमी बताया, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक, इंपंजिबुलम, पिट्यूटरी का स्टॉक, पिट्यूटरी सेल, मेमोरी बॉडीज, फिर आपका बच्चे ये सब्सटेंस आ गया पल्सुलेटेड सब्सटेंस आ गया, अच्छा। उसके बाद बच्चे देखो थैलम हाइपोथैलेमस की डिफरेंट डिविजन दिखाई हुई है 1, 2, 3, 4 कौन कौन सी है बच्चे, प्री ऑप्टिक, सुपर ऑप्टिक, इंपंडिबुलर लैटरल और मेमोरी, ठीक है। ये चार डिविजन पीछे से आगे की तरफ, आपने ये बात माइंड में जरूर रखी, पीछे से आगे नहीं सॉरी बल्कि आगे से पीछे की तरफ 1, 2, 3 ये पोस्टीरियर पार्ट है ये याद रखना है, ठीक है। स्पाइनल बॉडी जिस जगह पे होती है वो पीछे वाला पार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस जहाँ हाइपोथैलेमस का रिप्लाई होता है दूसरी जहाँ पे वो एंटीरियर पार्ट होता है, तो आपका सबसे आगे प्री ऑप्टिक एरिया, फिर सुपरा ऑप्टिक एरिया, फिर इंपंजिबुलर लैटरल और फिर मेमोरी बॉडी। आए देखते हैं आगे इसके फर्दर कनेक्शन क्या है, हम लोग इसके आफ्टर डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, बच्चे न्यूक्लियस से हाईलाइट किया, यहाँ पे देखें प्री ऑप्टिक का मैंने आपको बताया था, प्री ऑप्टिक का काम क्या होता है सिंपथेटिक डिस्चार्ज बच्चे यहाँ से जाता है, सुपरा ऑप्टिक का बच्चे क्या काम है सुपरा ऑप्टिक सीक्रेट करवाता है आपके वेसोप्रेसिन को, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का क्या काम है ये बच्चे सीक्रेट करवाता है आपका ऑक्सीटोसिन को, एंटीरियर बच्चे कंसर्न्ड है विद योर हीट सेंसेशन, सुपरा कैस्मेटिक कंसर्न्ड है विद योर स्लीप, लैटरल कंसर्न्ड है विद योर विद योर थर्स, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे नीचे आए तो देखें आर्कुएट जो न्यूक्लियस है ये इनफंजिबुलर, अच्छा इससे हमने बच्चे कोई हार्मोन रिलीज होता पड़ा था मुझे एक्जैक्टली नहीं याद आ रहा, मेमोरी रीजन में डिफरेंट इसने एरिया शो किया, ठीक है। मेमोरी के मैंने आपको कहा था इफ्रंट लाजमी आने चाहिए, अच्छा जी। बच्चे हाइपोथैलेमस के कुछ मेन कनेक्शंस आप लोग देख लो, दो चार्ट अच्छे से किया हुआ है, थैलेमस नियोकॉर्टेक्स लिम्बिक कॉर्टेक्स सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। और मेजर इसका जो इनपुट आउटपुट जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड को जा रहा है, मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग जो ट्रैक होता है वो, ठीक है। फिर बच्चे आप देखो कि डिफरेंट इसने न्यूक्लियाई शो किया मीडियो लेटरल जोन के अंदर, और सेल में डायग्राम बड़ी अच्छी बनी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ आगे कि मीडियो लेटरल जोन मतलब क्या है होती क्या है, कहता मिड लाइन में ना आपके मिड लाइन के बिल्कुल साथ आपकी जोन रन करती हैं राइट और लेफ्ट साइड, तो राइट साइड पे आपका एक मीडियल जोन होता है, लेफ्ट साइड पे दूसरी मीडियल जोन, फिर आपकी लैटरल जोन उससे अलग होती है, ये मिड लाइन की बेसिकली बात आ रहा है कि अगर आप लोग जिस जगह पे आपको कॉर्टेक्स कैलोजम होता है ना वो मिड लाइन है ब्रेन का, उस मिड लाइन के आस पास आपकी दो जोन एग्जिस्ट करती हैं, दो राइट पे दो लेफ्ट, राइट पे मीडियल लैटरल, लेफ्ट पे मीडियल लैटरल, इसमें डिफरेंट न्यूक्लियस ने हाईलाइट किए हैं। अभी मैं आपको ये स्मेल से भी बताता हूँ, और देखें हाइपोथैलेमस के आफ्रंट डिफरेंट्स बताए हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है बच्चे, खासतौर पर मैं इंद्र भीड़ वालों को कहूँगा कि वो अगर स्मेल वाले कार्ड लेते हैं तो उनके लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि दे आर मोर कम्पोज देन दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जरा खिचड़ी बनाई हुई है किस चीज़ के लिए, दस्तक फाइबर इसने बताए हुए, इतने कोई सुनाने की ज़रूरत है ही नहीं, बिलीव मी बच्चों इंद्रवीर वाला खास तौर पे कि स्मेल में फाइबर्स बड़े अच्छे दिए हुए हैं। साथ बच्चे देखो इसने सारे फंक्शंस बताए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
और बच्चे जो चीज मुझे जहाँ पे ज्यादा बेहतर लगती है मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और देखिए मुझे क्या सबसे शौक है, पाइनल ग्लैंड बच्चे शौक है, ये देखो हाइबिनुलर कमिश्चर, पोस्टीरियर कमिश्चर, ये आपका रिसा का थर्ड वेंट्रिकल की सुपीरियर लेमिना है, पाइनल ग्लैंड के स्टॉक का इंफीरियर लेमिना है, ये आपका बच्चे स्टॉक है पाइनल ग्लैंड का, नीचे पाइनल ग्लैंड इटसेल्फ, ठीक है। फिर बच्चे देखिए आप रेटिकुलर न्यूक्लियस फिलामेंट की कनेक्शन पड़ रही है डायग्राम बीच में कहाँ पे आ गई है। अच्छा ये डायग्राम बच्चे देखिए बड़ा खूबसूरत इसने हॉरिजॉन्टल सेक्शन शो किया ब्रेन का, ठीक है, कट सेक्शन ये देखो बच्चे इसने शो किया दरमियान में, ये आपका इंटरथैलेमस कनेक्शन है यहाँ पे होता है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आपका लाइटर एरिया जो है वो इंटरथैलेमस कनेक्शन है, नीचे आपका बीच में शो किया थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी, ये दो बच्चे इसने स्वेलिंग शो की है आपके थैलेमस की, और साथ ही साथ बच्चे देखे नीचे आपको ये ऊपर सबटेम्पल ल्यूटिजम नजर आ रहा है, तो सबटेम्पल ल्यूटिजम किसके बीच में रन करता है फॉर्निक और कॉर्पस कैलोजम, बिल्कुल वही शो किया हुआ है। इस डायग्राम में फिलहाल आप लोग यही चीजें देखें, ठीक है, और डिटेल्स में अभी नहीं जाना। और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस देखें बच्चे, ये इस बात की मैं हाईलाइट कर रहा था जहाँ पे मिड लाइन स्ट्रक्चर बता रहा था कि एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस जो होता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपके ऑल्फैक्टरी नर्व के पास, ठीक है। और ये देखें बच्चे कि इसने एंटीरियर स्ट्रक्चर शो किया, मैं इन मिड लाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, आपको आनी चाहिए गायरल स्ट्रक्चर शो किया हुआ है मिड लाइन में, ऑप्टिक चियाज़म, इनफंडिबुलम, ट्यूबर साइनेरियम, फिर पिट्यूटरी आपका यहाँ पे इस जगह सस्पेंडेड होता है, मेमोरी बॉडीज, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, दोनों परफोरेटेड सब्सटेंस आपके यहाँ पे हैं, एक और सबरी नर्व ने क्लोज किया हुआ है, बिल्कुल इंटरपेडेंकुलर फोसा में इंटर। बच्चे अगर आपको पेडेंकल का मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो काइंडली एक दफा व्यामत कर लीजिए और मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखें बच्चे बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर शो किया गया है माशाल्लाह, बहुत प्यारा अल्लाह ताला ने ब्रेन बनाया। ये देखो बच्चे थैलेमस का डिवीजन शो किया है हाइपोथैलेमस का, सबसे ऊपर वाला पार्ट बच्चे आपको पता होना चाहिए, नीचे हाइपोथैलेमस है साथ ही साथ सब थैलेमस, ऊपर थैलेमस है, एपिथैलेमस है यहाँ पे, और आपका पीछे की तरफ मेटाथैलेमस, ठीक है। अच्छा ये देखो हाइपोफिसिस सेरिब्राय, ये एपिफिसिस सेरिब्राय जिसको पाइनल बॉडी का है, पाइनल ग्लैंड का स्टॉक, उसके दो लेमिना है, बिनुलर कमिश्चर, पोस्टीरियर कमिश्चर, ठीक है, बहुत अच्छा इसने ये डायग्राम शो किया। बच्चे यही फायदा है कि हम लोगों ने आपको ऑपरेंट इसलिए पहले पढ़ाए हैं कि आप लोगों को अब चीजें को रिलेट करना है, एसएनएल में भी बिल्कुल डिटो वही डायग्राम है, सिर्फ कलर स्कीम डिफरेंट है, कुछ भी फर्क नहीं। ये देखो बच्चे इंटरनल मिडल भी लेमिना है, इसके अंदर ये भी आपका सेंट्रल मीडियल न्यूक्लियस शो किया हुआ है, एंटीरियर न्यूक्लियस, एक सेकंड लेट मी सी के अंदर बीट के अंदर सेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस का फंक्शन कैसे अलग रही है, क्या बताया क्या फंक्शन, मैं अभी आप लोग के साथ देख लूँ क्योंकि मुझे नहीं याद इसका। नहीं ये तो हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, नो 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 नहीं, चलो ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, मैं आप लोग को आकर से बताता हूँ फिर क्या फंक्शन है, या मैं इंटरनेट पर देख लेता हूँ। कॉर्नर सेक्शन बच्चे शो किया हुआ है वही वाले सारे स्ट्रक्चर में, ठीक है, कोई डिफरेंट वाली डिफरेंट बात ऐसी है नहीं, थर्ड वेंट्रिकल है नीचे, ऊपर मैंने आपको कहा था कॉर्नर सेक्शन में बच्चे आपको लेटरल वेंट्रिकल नजर आएगा, दरमियान में आपको फॉर्निक्स नजर आएगा, कोरोइड प्लेक्सस बच्चे आपको नजर आता है लेटरल वेंट्रिकल का जो थैलेमस बिल्कुल ऊपर लाया करता है, ये आपको पतली सी लाइन नजर आ रही है इंटरनल में डल्टी लेमिना की जो कि सेपरेट करती है थैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई को, पोस्टीरियर व्यू बच्चे ब्रेन स्टेम का दिया है बहुत खूबसूरती से, ये देखें पल्विनार शो किया है थैलेमस का जो पोस्टीरियरली है नीचे की तरफ है, इसके पास आपकी मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, थैलेमस पूरा आपका रंग का है, पोस्टीरियरली सुपीरियर फॉलिकुलर का, एंटीरियर फॉलिकुलर का, एक्सिट का नाम नाम अब तक आना चाहिए आपको, पाइनल ग्लैंड है, ठीक है। और ये देखें बच्चों डिफरेंट कनेक्शन से शो किए हैं थैलेमस के, अगर ये वाली डायग्राम आप लोग नहीं भी करते टू वर्क टोटली कोई बात नहीं है, कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाली, कभी भी एग्जाम में कोई इधर से आना है, बस जो आपने ट्रैक्स कर लिए, आपने जो ईस्टर ट्रांसलेट याद कर लिए वो ही आपके, ठीक है, एक सेकेंड ये दिखाना था। ये देखिए बच्चे शरीर का सेक्शन में ना डिफरेंट न्यूक्लियस ने शो किया है मीडियल और लैटरल जोन, ठीक है, देखिए बच्चे प्लेन कहाँ से रन करता है पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने क्या कहा है, मीडियल जोन न्यूक्लियस लाइन मीडियल टू द प्लेन ऑफ फॉर्निक्स एंड एमेलोथैलेमस and lateral zone nuclei lying lateral to plane of fornix and the mammalothalamus tract। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चे किस चीज की बात कर रहा है। बच्चे ये देखो
ये आपका फॉन्डिक्स है ना, ये देखो सिलेबल की एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉन्डिक्स, और ये फॉन्डिक्स आपका जा रहा है ऊपर। नीचे बचे देखो, ये आपका मेमिलरी बॉडी है, मेमिलरी बॉडी से यहाँ पे आपका जाता है मेमिलियोथैलेमस, ठीक है। इनके बीच में जो जहाँ पे एक लाइन है जो कि एक प्लेन रन कर रहा है, तो उससे मीडियल ही आपके थैलेमस के मीडियल न्यूक्ली आए हैं, और लैटरली लैटरल बच्चे ये प्लेन आना चाहिए, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर कि ये इंटरवीर में लिखा है या नहीं, लेकिन आपको ये लाजमी आना चाहिए। ये डिफरेंट न्यूक्लियाई देखो बड़े अच्छे से शो किए हैं, आगे से पीछे की तरफ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस शो किया है, पैरा वेंट्रिकुलर, प्री ऑप सबसे पहले प्री ऑप्टिक है, फिर सुप्रा क्यास्मेटिक है, फिर पैरा वेंट्रिकुलर है, फिर आपका वेंट्रोमीडियल है, फिर आपका डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस है, फिर बच्चे आप देखें पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, फिर मेमिलरी बॉडी, ठीक है। और बच्चे लैटरल न्यूक्लियाई में अगर आप देखें तो क्या क्या आ रहे हैं, मीडियल के भी कुछ न्यूक्लियाई के पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहले प्री ऑप्टिक, फिर आपका सुप्रा क्यास्मेटिक शो किया है, ठीक है, और उसके बाद आप देखें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस शो किया है, फिर लैटरल न्यूक्लियस है, फिर लैटरल ट्यूब्यूलर न्यूक्लियस है, ट्यूबरल न्यूक्लियस, सॉरी ट्यूब्यूलर नहीं ट्यूबरल, ठीक है, और ट्यूबर साइनेरियम से बेसिकली रिलेटेड है, फिर आपका ट्यूब्रो मेमिलरी न्यूक्लियस है और मेमिलरी बॉडी, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियाई आपको आने चाहिए। कॉर्नर सेक्शन बच्चे दिए हैं, वो ही दोबारा अपने पाथवेज यहाँ पे शो करने की कोशिश किया, अगर आप नहीं दिखा रहे दैट्स गोइंग टू वर्क टोटली फाइन। सजेशन सेक्शन बच्चे इवेंट्स के लिए दोबारा शो किया, ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ बच्चे, पोर्टल सिस्टम होता क्या बच्चे, पोर्टल सिस्टम बेसिकली आपको जूलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, फिजियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे टू ग्रुप ऑफ कैटेगरीज इन्वॉल्व हो, हम पोर्टल सिस्टम, ठीक है। जैसे बच्चे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किडनी के अंदर आपका आर्टीरियो आर्टीरियल कैटेगरीज भी है और आर्टीरियो वीनस कैटेगरी जब आप लोग एक दफा इंश्योर फर्दर रीड करेंगे तो फर्दर क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।